हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, वैसे तो बीटीएस मेंबर से रिलेटेड काफी सारी न्यूज वायरल होती रहती है कि बीटीएस मेंबर ने किसी का नंबर मांगा है या फिर बीटीएस मेंबर किसी को डेट कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार ये कोई र्यूमर नहीं है, इनफैक्ट पूरी तरह से सच है। क्या आप सभी को ये पता है कि एक बार जिमिन ने एक काफी ज्यादा फेमस फीमेल के-पॉप आइडल का नंबर मांगा था और वो भी सबके सामने, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी भी बीटीएस मेंबर को किसी भी फीमेल आइडल का नंबर मांगते हुए नहीं देखा गया है। और कभी भी ऐसा कोई न्यूज आता है तो आर्मीज हमेशा ही तुरंत ही उसे र्यूमर मान लेती है और बीटीएस मेंबर का ही सपोर्ट करती है। और ये सुनकर हर कोई शॉक्ड हो गया था कि जिमिन ने ऐसा कैसे कर दिया और सबके सामने ऐसे फीमेल के-पॉप आर्टिस्ट का नंबर कैसे मांग लिया। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको यही बताने वाली हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा बीटीएस के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, हुआ ये है कि अभी हाल ही में साउथ कोरिया और काफी सारे न्यूज चैनल पर ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि जिमिन ने एक फीमेल के पॉप ग्रुप इटजी के एक मेंबर जिनका नाम था रियूजिन का नंबर मांगा था, यानी कि उनका फोन नंबर निकलवाने की कोशिश की थी, जिसके बाद काफी सारे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर यही न्यूज ट्रेंड करने लगे। और साथ ही ये कहा जाने लगा कि जिमिन ने आखिरकार रियूजिन का नंबर क्यों मांगा है और उन्हें क्या काम है कि वो उनका नंबर मांग रहे हैं। तो वहीं कुछ आर्मी ने ये भी कहना स्टार्ट कर दिया है कि शायद जिमिन रियूजिन को पसंद करते हैं और वो उन्हें जीएफ बनाना चाहते हैं और डेट करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने रियूजिन का नंबर मांगा हो। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप भी कंफ्यूज है कि ये सच है या फिर फेक, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये बात पूरी तरह से फालतू है। और जहाँ तक न्यूज वायरल होने की बात है और लोगों को पता चलने की बात है, लेकिन फ्रेंड्स वहीं कुछ जिमिन के सपोर्टर का ये कहना है कि जिमिन रियूजिन का नंबर इसलिए मांग रहे थे क्योंकि जैसे कि हर आर्मी को ये पता है कि जिमिन की फर्स्ट एल्बम रिलीज होने वाली है, वो भी न्यू ईयर में, जिसके लिए जिमिन काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो उसी के हेल्प के लिए ही जिमिन ने रियूजिन का नंबर मांगा है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में जिमिन और रियूजिन का कोई कोलैब सॉन्ग आए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो रियूजिन से किसी तरह से म्यूजिक में हेल्प लेना चाहते हो और इसीलिए जिमिन ने रियूजिन का नंबर मांगा हो। इसीलिए सोशल मीडिया पर जो भी न्यूज वायरल हो रही है जिमिन और रियूजिन को लेकर, कि जिमिन रियूजिन को गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं या फिर उनके बीच डेटिंग चल रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस पर बिल्कुल भी बिलीव मत करिएगा क्योंकि ऐसा सच नहीं है। और ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ हेटर्स की फैलाई हुई हैं, क्योंकि हेटर्स का तो काम ही है, क्योंकि जब भी कोई मेल और फीमेल के-पॉप आर्टिस्ट को साथ देखते हैं तो उन्हें तुरंत ही वायरल करना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरह के उनके नॉर्मल मीटिंग को वो रिलेशनशिप में बदल देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि जिमिन सच में रियूजिन को डेट करने के लिए नंबर मांगे होंगे या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।